हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एप्रिन डिज़ाइन, जिसे आप आसानी से मार्केट जैसा एप्रिन अपने घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अगर आपको डबल लेयर में एप्रिन चाहिए तो आप कपड़े को चार भाग में फोल्ड कर रखकर फिर सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसमें शोल्डर का निशान नहीं लगता है, जो हम यहाँ आगे गले के का जो भाग है वहाँ हम निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन में यहाँ फोल्ड करने के लिए रख रही हूँ। ये सिंगल लेयर एप्रिन है, इसीलिए हम इसको चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। तो मैं 1 इंच यहाँ मार्जिन के लिए रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ 6 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ कंधी से नीचे तक 8 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारा चेस्ट का निशान होगा, जिसकी लंबाई पर हम 8 इंच पर निशान लगाएं। अब हम चेस्ट का चौथा पार्ट, हमारा चेस्ट यहाँ 36 इंच है, तो मैं यहाँ चौथा पार्ट उसका 9 इंच ले रही हूँ। और 9 इंच में हमारे चेस्ट का जो भी चौथा पार्ट होगा उसमें हम 5 इंच प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ 14 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हम इन दोनों भाग को मिलाकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हमें सिंपल सी यहाँ आर्म होल की गोलाई देनी है। इसके बाद प्रिंट की लंबाई पर निशान लगाएंगे। तो लंबाई के लिए हमें जितनी लंबाई चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। मैं यहाँ 30 इंच मुझे प्रिंट की लंबाई चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 31 इंच पर निशान लगा दिया है। हम इसे सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम जो नीचे बॉटम की हमारी चौड़ाई वो इतनी ही रखेंगे जितनी चौड़ाई हमने चेस्ट में रखी थी। यहाँ भी हम 14 इंच का चौड़ाई में निशान लगा देंगे और हमारे ऊपर और नीचे के दोनों भाग को मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमने एप्रिन की कटिंग कर ली है। एप्रिन की कटिंग करने के बाद इसके बाद हम इसके सभी कॉर्नर को फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। इसके सभी भाग पर हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। सभी को सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। पॉकेट अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंच पॉकेट की जो चौड़ाई वो 8 इंच लेंगे और लंबाई इसकी 8 इंच है। यहाँ हमने 2 पॉकेट जो है अटैच करने हैं। शोल्डर से हम एक 12 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर से 12 इंच की दूरी पर हम यहाँ पॉकेट को अटैच करेंगे। पॉकेट के चारों कोनों पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम एक बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट के लिए यहाँ हमने 3.5 इंच चौड़ा एक पट्टी ली है और 25 इंच इसकी लंबाई रखी है। यहाँ हम 2 बेल्ट तैयार करेंगे। तो चलिए पॉकेट के चारों ओर सिलाई लगाकर हम इसे तैयार कर लेते हैं और बेल्ट को भी कॉर्नर पर सिलाई लगाकर हम इसे पलट देंगे। यहाँ हमने पॉकेट तैयार कर लिया, इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है और इसे अब हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ हमने बेल्ट भी तैयार कर लिया है। बेल्ट को हम यहाँ आर्म होल के एक कोने को आर्म होल पर और एक को यहाँ शोल्डर के ऊपर अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ बेल्ट को और पॉकेट को दोनों को अटैच कर लेते हैं। जो हमने मार्किंग की है वहाँ हम पॉकेट को रख कर पॉकेट के तीनों ओर सिलाई लगा देंगे। ऊपर का भाग हम खुला रखेंगे। इसी तरह से हम दोनों पॉकेट को अटैच कर लेंगे और बेल्ट को भी यहाँ अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ दोनों पॉकेट अटैच कर लिए हैं और दोनों साइड में हमने बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। अब हम
एप्रिन को पीछे की साइड पलटकर बेल्ट में 11 इंच का एक निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हमें 11 इंच का एक निशान लगाना है। हम यहाँ पीछे के भाग में बेल्ट पर 11 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम एक 8 इंच का बेल्ट यहाँ तैयार करेंगे। और इस बेल्ट को हम हमारे जो दो बेल्ट हैं दोनों बेल्ट के कॉर्नर पर अटैच कर देंगे। इस तरह ये हमारी नेक पर आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ दोनों बेल्ट अटैच कर लिए और हमने कमर पर एक डोरी लगा दी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।